जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान सरकार की तरफ से जारी की गई आपकी नई भर्ती के बारे में जानकारी, जो कि बेसिकली आपकी जो भर्ती निकली है टीचर की पोस्ट पर संविदा टीचर के लिए, ये वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर इस वैकेंसी पर आपके 9716 पद निकाले गए हैं। ये इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो अगर आप ये सब जानकारी चाहते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना, तो आप वीडियो को देखते रहिए। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो जैसे ही इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये शॉर्ट नोटिस जारी किया है 15 जनवरी 2023 को। और आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 की ये विज्ञप्ति है। इसमें यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले तो आपके यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो आपकी पोस्ट है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, इसके 6670 पद है। फिर सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 1219 पद है। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित सब्जेक्ट के लिए 1219 पद है, जिनका योग 9108 होता है। फिर जो आपकी अनुसूचित क्षेत्र में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम की पोस्ट है वो 470 है, और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी में 67 पद है, और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित में आपके 67 पद है, इनका योग 604 होता है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 604 पद है और टोटल मिलाकर के आपके 9712 पद निकाले गए हैं। अभी यहाँ पर बात करें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो इंपोर्टेंट डेट्स जो शॉर्ट नोटिस में आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 31 जनवरी 2023 से लेकर के 1 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। अभी यहाँ पर गाइज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरुआत में भी, कि अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए 31 जनवरी 2023 को फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर अपडेट फॉर फॉर्म फिलअप वीडियो। आप ये कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि सर फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, या फिर अगर आप एक लाइन में चाहते तो आप अपडेट फॉर फॉर्म फिलअप ये कमेंट कीजिए, ताकि फिर मैं आपके कमेंट कंसिडर करके जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहां पर गाइज अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि अपना फॉर्म नहीं भर सकता और फीस पे करने के लिए वो निर्भर नहीं है, यानी कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे काफी कम फीस है, और आप चाहते कि मैं आपका फॉर्म भरूं, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट का फॉर्म मैं भर सकता हूं, उसके लिए आपको कैसे और कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ताकि फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करके जो फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन भरी जाएगी या फिर जो आपकी SSO की ID है उसके अंदर जो आपने OTR क्रिएट करके रखा है वहां पर आपकी जानकारी पहले से मौजूद होगी, बस मुझे आपकी कुछ जानकारी चाहिए होगी और फिर मैं उसका जो फीस का पेमेंट है वो कर दूंगा। ये मैं आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा वे में बता रहा हूं, वैसे आपकी चॉइस है, आप खुद से अपना फॉर्म भर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए हम अभी पॉइंट पर आते हैं और इसके बारे में ही बात करते हैं। तो यहां पर जो मैंने अभी आपको फीस के बारे में कहा, तो फीस इसमें काफी कम है, इतनी कोई ज्यादा मात्रा में फीस है नहीं वैसे भी। तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु 100 रुपये फीस है, काफ़ी कम है, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखी है। फिर राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 70 रुपये फीस है, और जो राजस्थान के SC ST है यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है एवं शहरीय आदिम जाति है, इनके लिए 60 रुपये फीस। इसी के साथ में जो राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के यानी कि सभी वर्ग के दिव्यांग एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए फीस 60 रुपये रखी है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाएंगे। तो ये आपकी फीस है।
एंड यहाँ पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि क्या इस पर क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बट अगर प्रीवियस वैकेंसी को देखा जाए और जो लेवल फर्स्ट की पोस्ट पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और लेवल टू पर मांगी जाती है, तो उसके आधार पर यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा सकती है। इसमें अगर कोई चेंजेस रहता है तो वो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर बता दिया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास फर्स्ट से फाइव जो कि लेवल फर्स्ट के अंदर आती है, अप्लाई करने के लिए इस पर आपसे क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी जो कि एटलीस्ट 50% के साथ में आपने पास की हो एंड आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपको दूसरा विकल्प ये दिया जाता है कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर BEIED, या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको तीसरा विकल्प मिलता है ग्रेजुएशन एंड आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में और रीट क्वालिफाइड मांगा जाता है। अभी देखना यह होगा कि क्या इसमें भी रीट कंपलसरी है, कि आपका रीट पास होना चाहिए या फिर नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें रीट होगा, कि रीट क्वालिफाइड चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, और अगर हुआ तो फिर लिमिटेड कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। लिमिटेड यानी कि जो रीट क्वालिफाई कर पाए वही भर पाएंगे। अगर रीट की कंडीशन नहीं रखी तो फिर सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भर सकते हैं जिसके पास अन्य ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार से जो लेवल टू है, जिसमें कि क्लास 6 से 8 के कैंडिडेट आते हैं यानी कि उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी हो, बैचलर डिग्री आपने पास कर ली हो या फिर कर रहे हो यानी कि फाइनल ईयर के अंदर हो और 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला विकल्प है अप्लाई करने का। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड विकल्प है कि आपने जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने 50% के साथ में पास की हो या फिर कर रहे हो और आपके पास 1 ईयर का बैचलर एजुकेशन हो। या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो तीसरा विकल्प है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने 50% के साथ में पास की हो या फिर कर रहे हो और 1 ईयर का जो बैचलर एजुकेशन है वो आपके पास रहना चाहिए। एंड फिर यहाँ पर अगला विकल्प है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 45% के साथ में पास हो या फिर आप कर रहे हो और साथ ही आपके पास 1 ईयर का बैचलर एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद दी NCTE नॉर्म्स यानी कि उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर है सीनियर सेकेंडरी आपने 50% के साथ में पास की हो या फिर कर रहे हो और आप फाइनल ईयर के अंदर हो 4 ईयर डिप्लोमा के इन एलिमेंट्री एजुकेशन के जो कि BEIED, तो आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके बाद में एक और विकल्प है कि आपकी 12वीं, आपने 12वीं 50% के साथ में पास की हो और आप फाइनल ईयर के अंदर हो, जो आपका 4 ईयर का कोर्स है BA, BEd, BSc, BEd इनमें से, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और विकल्प जो कि आपके सामने कि आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 50% के साथ में पास की हो या फिर कर रहे हो और आपके पास जो 1 ईयर का BEd है स्पेशल एजुकेशन है, आप इसमें कर रहे हो या फिर इसके फाइनल ईयर के अंदर हो, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और रीट क्वालिफाइड के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ कि डिटेल्ड अगर आता है कि उसमें आपको रीट क्वालिफाइड चाहिए तो वो भी आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। एज आपकी यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच ही रहने वाली है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। तो गाइज आपने ये जाना, और सैलरी भी यहाँ से जान ही लीजिए कि सैलरी आपको 9,300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये, साथ ही 3600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। ये आपको सैलरी इस पोस्ट पर मिलने वाली है। अब मैंने यहाँ पर आपको वो पॉसिबल जानकारी दे दी है जो कि इस पर आपको जानना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के, तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप मेरे द्वारा फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज के अंदर जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर आप सबमिट कर देंगे। और उसके बाद मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट करूँगा कि आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के एंड आपके फॉर्म को भरने को लेकर के। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भेजनी है, और अगर आप भेजना चाहे भेज दीजिएगा, नहीं तो आप मत भेजिएगा। सो अगर आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो लाइक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।